नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत सारा कॉल मैसेज कमेंट कर रहे हैं कि सर शेड्यूल जारी अभी तक नहीं हुआ है, कौन जिले का कहाँ क्या होगा। देखिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, बिना शेड्यूल का कुछ नहीं होगा। गाइडलाइन भी आने दीजिए कुछ पॉइंट को लेकर, बहुत सारे कुछ पॉइंट पे लेकर कि कौन सीट पे कौन जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं जितने भी 94,000 सवा लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इतना वेट आप लोग किए ही हैं 2 साल से, तो एक से दो दिन और वेट कर लीजिएगा तो सारा का सारा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। 5 से काउंसलिंग स्टार्ट है, ये सबको पता है, जितने भी कर्मचारी सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए। ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर निकाला गया, कल ही लेटर निकाला गया था, और उसमें जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको निर्देश दिया गया था कि अपने अपने जिले के जितने भी आपके जिले के नियोजन इकाई हैं सबको आज, यानी कि आज 1 तारीख है, सबको आज 1:30 बजे तक NIC के वेब पोर्टल पे अपलोड करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट बोला जाए। यानी कि मेधा सूची से लेके जो आपको पहले मेधा सूची जारी हुआ था उसको अनुमोदित करके, यानी कि उसको फिर से देखा जाए और सुधार करके उसको फिर से आप संशोधित करके NIC के वेब पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। यानी कि आज जो डेडलाइन रखा गया है आज 1:30 बजे तक रखा गया, आज 1:30 बजे तक सब नियोजन इकाई को हर हाल में जारी करना। लेकिन कुछ नियोजन इकाई को उनको मैसेज ठीक से नहीं पहुंच पाता था और नहीं वो कर पाते, तो मान लीजिए कि आज शिक्षा सचिवालय की तरफ से नोटिस निकला है तो आज 1:30 तो हो सके कल 1:30 बजे तक, 2 तारीख के 1:30 बजे तक सारा झंझट खत्म हो जाना चाहिए। और परसों तो सैटरडे और संडे हो रहा है तो फिर उस दिन तो बंद रहता है, तो हमें लगता है कि 2 तारीख तक 4 बजते आपको पूरी आईने की तरह साफ हो जाएगा कौन से जिले का कहां कहां नियोजन इकाई काउंसलिंग करवा रहा है, कहां कहां नहीं करवा रहा। कम से कम 10 से 12 जिला ऐसे हैं जो अपना लिस्ट जारी कर दिया गया, पूरा डिटेल हम अपने YouTube चैनल पे आपको दे दिए हैं। दोनों YouTube चैनल पे मेरा एक बिट्टू एडवाइजर है और टारगेट शिटेड, दोनों पे हम अप टू डेट कर रहे हैं हर एक जिले का। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले का हमने डाल दिया। हमने नवादा का डाला है, सुपौल का डाला है, पूर्णिया का डाला है, भागलपुर का डाला है, बेगूसराय का डाला है, पूर्वी चंपारण का डाला है, इतने जिलों का अपडेट हमने डाल दिया, नवादा का डाला है, और जिलों का आना बाकी है जो कि आज कम से कम 10 से 15 आज जिलों का जारी हो जाएगा और 10 से 15 कल जिलों का जारी हो जाएगा, या फिर कहिए जो बचे हुए जिले हैं 20 जिलों का आज भी जारी हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास शिक्षा विभाग के पास उतना अब टाइम नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा वो शिक्षा विभाग की तरफ से कराया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट आपसे लिया जाएगा उसका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सरकार करवाएगी, किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये सारा जवाबदेही, यानी कि जो पिछले बार 2006 और 2015 तक जो हुआ था वैसा अब नहीं होने जा रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ ये काउंसलिंग करवाया जाएगा, एक बार रूम बनाया जाएगा शिक्षा विभाग सचिवालय में और कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वीडियोग्राफिंग की जाएगी, उसी वीडियोग्राफिंग को वहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा और किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। आप डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल ले जाइएगा, जो डॉक्यूमेंट आप अभी तक रेडी नहीं किए हैं वो डॉक्यूमेंट अभी तक आप रेडी कर लीजिए, सब चीज एक्टिव रख लीजिए और फिर वहाँ पे जाइए। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप रंजीत सर के कमेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम हो। और बाकी तो अपडेट हमने आपको दे दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको जरूर देंगे। आप लोग बहुत परेशान रहते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर, थोड़ा सा सब्र कीजिए, जितना आप लोग कॉल हमें कर रहे हैं अब भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, क्या दोस्तों हम ये आशा रखें कि आपको ज्वाइनिंग होने के बाद भी आप हमें कॉल या मैसेज कीजिएगा मिठाई के लिए? नहीं कीजिएगा। जब आपको जॉब लग जाएगा आप फिर किसी को पूछिएगा ही नहीं कि बिट्टू सर इतना हेल्प किए, उनको भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, देखते हैं। सबका नंबर मेरे पास है सर का, सबका नंबर हम डायरी में नोट किए जा रहे हैं, कौन कौन कॉल अभी हमें कर रहे हैं, कौन कौन हमसे सलाह रहे हैं, कौन हमसे हेल्प ले रहे हैं, सारा का सारा लिस्ट मेरे पास बना हुआ है एक डायरी में करके, बाई नेम करके। और 12 नहीं 13 नहीं 14 नहीं 15 के बाद हम सबको कॉल बैक करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 दिन हम वेट करेंगे कि कौन कौन शिक्षक अभ्यर्थी जो हमसे हेल्प मदद लिए हैं, मेरा वीडियो से उनको हेल्प मिला है और वो अब ज्वाइनिंग के बाद हमें कॉल करते हैं या नहीं करते। एक रिक्वेस्ट और करेंगे, बाकी आप बाद में हमें ब्लॉक कर दीजिए जे कीजिए, लेकिन हाँ जिस दिन अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, काउंसलिंग हो जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, आपको बता दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया उसी वक्त, तो आप प्लीज हमें एक मैसेज कर दीजिएगा, हमें खुशी हो जाएगी कि हमारा दोस्त का, हमारा साथी का सिलेक्शन हो गया है। तो ये सारा अपडेट हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिए दोस्तों, और भी बहुत सारे पॉइंट पे मुझे
वीडियो बनाना है जो कि नहीं बना रहे, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा खुद का पड़ा रहता है, बहुत सारे लोग कॉल करते रहते तो उनको बताते रहते समझाते रहते तो मेरा खुद का काम नहीं हो पा रहा, इसलिए जितना सलाह है उतना दे रहे हैं और बाकी सारा अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।